तो अब तक हमने देखा लुअ फैंग हाइब्रिड को यूज करके पुला और उसके सारे टीम मेंबर को किल कर देता है साथ ही वो पुला को भी वहीं पे किल करने वाला था पर पुला फौरन ही वहाँ से भाग जाता है अब वो काफी ज्यादा घायल हो गया था फिर वो नूएल एनसन को इस बारे में इन्फॉर्म करता है गुस्से से ऐसी ऑन द स्पॉट वही पे पुला को किल कर देते हैं और वो अपने डिसाइपल डेविन और बायकालो से कहते हैं इस बार तुम दोनों अर्थ पे जाओ और ध्यान रहे की तुम्हें इस मिशन को पूरा करके ही वापस आना है इधर लुअ फैंग हॉन्ग ली सेन तीनों किलिंग फील्ड में थे जहाँ पे लुअ फेंग फर्स्ट टाइम स्टार ट्रेवल नाइन के फाइटर ऐसी फाइट करता है और ये स्टार ट्रेवलर लेवल वॉरियर हजारों की तादाद में थे पर लुअ फेंग बड़ी आसानी ऐसी सबको डिफीट कर देता है और सेकेंड टाइम वो स्टार लेवल वन के फाइटर ऐसी फाइट करता है जिसमे ऐसी वो एट वॉरियर को बड़ी आसानी ऐसी किल कर देता है पर बाकी बचे दो वॉरियर आखिर में लुअ फेंग को डिफीट कर देते हैं अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुअ फेंग बवाता से कहता है बवाता लिसन को मेरे ओपोनेंट के रूप में चूज करो मैं लिसन से फाइट करना चाहता हूँ और अभी लुअफेंग और ली सेन दोनों स्टार लेवल वन पे हैं पर लिसन के पास डोमेन है और इस फाइट में लुअफैंग और ली सेन दोनों सेकेंड लेवल के अर्मर और सेकेंड लेवल के वेपन को यूज करने वाले है दोनों अपने सेकेंड लेवल के वेपन से एक दूसरे पे अटैक करते हैं फेंग पे काफी पावरफुल अटैक करते हैं जिससे लुअफेंग काफी दूर पीछे चला जाता है और ली सेन इस बार नाइन थंडर नाइफ फॉर्मेशन बना रहे थे इधर लुअफेंग भी अपने शॉर्ट से पावरफुल फॉर्मेशन बनाता है और दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं पर यहाँ काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे वो अपनी सारी थंडर पावर का यूज करके लुअफेंग पे अटैक कर रहे थे जिससे वो लुअफेंग को डिफीट कर देते हैं लुअफेंग तो काफी परेशान हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो पहले जब लीसिन से फाइट करता था तो वो आसानी से लीसिन को डिफीट कर देता था लेकिन इस बार लिसिन तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं वो बड़ी आसानी से लुअफेंग को डिफीट कर दिए लुअफेंग कहता है सेकेंड ब्रदर तो का नाइन फोल थंडर नाइफ काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है उसका थंडर नाइफ पहले से बहुत ही पावरफुल हो गया है तभी बवाता वहाँ आती है और लुअफेंग फेंग से कहती है ये किलिंग फील्ड के वजह से हो पाया है क्यूँकी लीसें और होंग काफी लंबे समय से किलिंग फील्ड में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो दोनों लगातार यहाँ फाइट करके अपने कॉम्बैक पावर को इंक्रीज कर चुके हैं और अब लिसिन का नाइन थंडर ब्लेड काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है फेंग कहता है अब मैं समझ गया किलिंग फील्ड हमारे लिए कितना जरूरी है क्योंकि पहले फेंग लिसिन से काफी ज्यादा पावरफुल था साथ ही अब वो अपने सीक्रेट टेक्निक और वेपन का यूज करके फेंग को डिफीट कर रहे हैं बवाता फेंग से कहती है Yeah. क्या तुम और भी फाइट करना चाहते हो लुअो फेंग काफी सीरियस होकर कहता है हाँ। इस बार ओपोनेंट के रूप में होंग को चूज करो फिर दोबारा से लुओ फेंग वर्चुअल में जाता है जहाँ जा तो का वेट कर रहे थे फेंग भी होंग ऐसी फाइट करने के लिए अपने फिर शॉर्ट फॉर्मेशन को बना लेता है और होंग बहुत ही फास्ट लुओ फेंग पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं है फेंग फॉरन ही अपने आर्मर को असेंबल करता है और फिर शॉर्ट फॉर्मेशन से होंग पे अटैक करता है दोनों एक दूसरे पे बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं और इनका फाइट स्पीड सच में काफी ज्यादा फास्ट है हॉन्ग लगातार अपने वर्ल्ड स्टोरिंग स्पेयर ऐसी लुअ पे अटैक कर रहे थे उसे डॉज करते हुए से अटैक करता है जिससे वहाँ काफी पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और इसी बीच हमें पता चलता है की लुअ फेंग काफी बुरी तरह घायल होकर नीचे पड़ा था तभी वहाँ हॉन्ग वर्ल्ड स्टोर स्पेयर से लुअ फेंग पे अटैक करते हैं पर इतने में ही बवाता हॉन्ग को अरेना से एलिमिनेट कर देती है और ऐसे लुअफेंग बच जाता है वो रिलैक्स होकर कहता है फर्स्ट ब्रदर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इवन की किन ब्रदर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर बबा लुअफेंग के पास आती है और कहती है तो इतने बैटल्स के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है लुअफेंग काफी खुश होते हुए कहता है मुझे तो मजा आ रहा है इवन की लाइफ में फर्स्ट टाइम उसे बैटल करके इतना खुशी मिल रही है बबाता कहती है तो बस इतने से खुशी के लिए तुम बस एक दिन के लिए थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड गैन क्वेंस पे किए हो क्या तुम बस एक दिन के लिए इतना ज्यादा मनी पे करके खुश हो बबाता काफी सीरियस होकर लुअफेंग से पूछती है क्या तुमने कभी सोचा है आखिर किलिंग फील्ड हमसे इतना ज्यादा मनी चार्ज क्यूँ करती है यहाँ का सिर्फ एक दिन का फी थर्टी फाइव हंड्रेड गेनवी डॉलर है और अगर तुम यूनिवर्स लेवल वन के स्पीड मास्टर हुए तो तुम्हें थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंडो डॉलर पे करना होगा और अगर डोमेन लोड लेवल वन के हुए तो तुम्हें थर्टी फाइव मिलियन गैनवी डॉलर पे करना होगा ऐसे सेक्टर लोड लेवल वन स्पेशल मास्टर के लिए थ्री पॉइंट फाइव बिलियन गैनवो डॉलर्स क्या तुमने कभी सोचा है इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी डोमेन और सेक्टर लोड लेवल के बंदे केलिंग फील्ड में दोबारा क्यों आते हैं फिंग भी हैरान होकर पूछता है क्यों बवादा कहती है इसका मतलब तुम सही से केलिंग फील्ड के इंस्ट्रक्शन बुक को नहीं पढ़े थे केलिंग फील्ड तुम्हें पूरा परमिशन देती है कि तुम अपने हिसाब से जैसा चाहो ओपोनेंट को चूज कर सकते हो साथ ही तुम अपने ओपोनेंट को कस्टमाइज भी कर सकती हो लाइक उसकी फिजिकल फिटनेस मेंटल पावर बॉडी फैक्टर्स कॉम्बैक टेक्निक या फिर कोई सीक्रेट टेक्निक उनके वेपन हर चीज को तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो साथ ही तुम काफी हाई एक्सपीरियंस वाले ओपोनेंट को भी चूज कर सकते हो जो की फाइटिंग में काफ़ी ज्यादा अच्छा हो बवादा कहती है क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहती हूँ लुअो फेंग कहता है हाँ, अब वो कीलिंग फील्ड को सही से समझ चुका है अब उसे हॉन्ग और लीसिन के बारे में पता चल चुका है उनका कॉम्बेट स्किल लुअफेंग से काफी ज्यादा सुपीरियर है वो दोनों फाइट करके वर्ल्ड डिस्ट्रोइंग स्पीय और नाइन लेवल थंडर थॉट को काफी अच्छे से मास्टर कर चुके हैं इसलिए अब वो काफी परफेक्शन के साथ अटैक करते हैं लुअफेंग एक्साइटेड होकर बबादा से कहता है इसका मतलब हम कीलिंग फील्ड में फाइट करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं इससे हम अपने कॉम्बेट स्किल को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं साथ ही हमें यहाँ पे फाइटिंग का और भी एक्सपीरियंस होगा बवाता कहती है हाँ, पर फिल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि तुम यहाँ पे फाइट करके उनके अटैक को सीखो जैसे कि अभी तुमने होंग से फाइट किया था इससे तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि अब तुम हॉन्ग के अटैकिंग स्टाइल को देख चुके हो फिर बवाता कहती है लुओ फेंग क्यों ना इस बार तुम अपने आप को ही ओपोनेंट के रूप में चूज करो जब तुम खुद से फाइट करोगे तो तुम अपने अटैकिंग स्टाइल को और भी अच्छे से समझ सकती हो ये सुनकर लुओ फेंग काफी खुश होता है की यहाँ पे वो अपने खुद के क्लोन को भी ओपोनेंट के रूप में चूज कर सकता है इससे तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट होगा जैसे कि तुम अपने मार्शल आर्ट स्किल को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकती हो अपने मेंटल वेपन को और भी परफेक्शन के साथ कंट्रोल करना सीख सकती हो और कई सारे बैटल्स करके एक्सपीरियंस गेन कर सकती हो अकेले ट्रेनिंग करने से बेहतर है कि तुम किसी ओपोनेंट के साथ फाइट करो ये सब सुनकर लो फैंग बवाता से पूछता है बवाता आखिर किलिंग फील्ड इतना रियलिस्टिक ओपोनेंट कैसे बना लेती है साथ ही उनका अटैकिंग स्टाइल कॉम्बेट स्किल सारा कोर्स रियल जैसा लगता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है बवाता बताती है किलिंग फील्ड कंपनी से एफिलेटेड है और इस वॉच से यूनिवर्स में काउंटलेस फाइटर वर्चुअल यूनिवर्स में फाइट करते हैं वर्चुअल यूनिवर्स उनके सारे किलिंग सीन उनके बैटल अटैकिंग स्टाइल उनके सीक्रेट टेक्निक हर चीज को रिकॉर्ड करती है तो वर्चुअल यूनिवर्स के पास काफी ह्यूज बेस है जिसमे हर तरह के वॉरियर के फाइटिंग सीन अटैकिंग स्टाइल मौजूद है और इसी के सपोर्ट से किलिंग फील्ड रन करता है लुअफिंग कहता है मैं अभी तक जितने भी स्ट्रॉन्ग हूँ ये सब कुछ गोल्डन बेस की वजह से हुआ है अभी गोल्डन बेस स्टार लेवल सेवन पे है तो लुओफिंग सोचता है क्यों ना इस बार गोल्डन बीस से फाइट किया जाए क्योंकि गोल्डन बीज के पास उसके सीक्रेट टैलेंट्स हैं अगर लियो फेंग उसे मास्टर कर लिया तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है फिर बबाता गोल्डन बीस को ओपोनेंट के रूप में चूज करती है गोल्डन बीस और लियो फेंग दोनों हरेना में आते हैं जहाँ गोल्डन बीस जीखते हुए काफी जोरदार लियो फेंग पे अटैक करती है लियो फेंग उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था पर शायद लुअ फेंग के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है तो वो जंप करके फ्लाइंग नाइफ से गोल्डन बीस पे अटैक करने लगता है पर अचानक ही गोल्डन बीस बहुत ही फास्ट लुअो फेंग के सामने ही अपेयर हो जाती है ये देखकर लुअो फेंग काफी ज्यादा शौक होता है कि गोल्डन बीस इतना ज्यादा फास्ट कैसे मूव कर सकती है गोल्डन बीस बहुत ही फास्ट अपनी है लुअ फेंग उससे बचने के लिए माउंटेन शील्ड बनाता है पर माउंटेन शील्ड गोल्डन बीस के सामने काफी वीक सा लग रहा था वो गोल्डन बीस के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और ऐसे लुअो फेंग इलिमिनेट हो जाता है लुअो फेंग सौक होते हुए कहता है गोल्डन बीस का विंग किसी शॉर्ट से कम नहीं है वो दोबारा से रिवाइव होकर गोल्डन बीस पे अटैक करने जाता है और बार फेंग मोयून वाइन का यूज करता है वो मोयून वाइन से गोल्डन बीस को फसाना चाहता था लेकिन इस बार भी गोल्डन बीस बहुत ही फास्ट लुओ फेंग पे अटैक करती है और इस बार भी लुओ फेंग एलिमिनेट हो जाता है पर एक बात है लुओ फेंग हार नहीं मान रहा था वो हर बार रिवाइव होकर गोल्डन बीस से फाइट करने जाता है ऐसे लगातार लुओ फेंग और गोल्डन बीस में फाइट चलती है पर आखिर में गोल्डन बीस अपनी टेल से लुओ फेंग को डिफीट कर देती है अब लुओ फेंग गोल्डन बीस से फाइट करके काफी ज्यादा थक चुका था और लुओ फेंग से पूछती है तो कैसे लगा गोल्डन बीज ऐसी करके लुआ लुअ काफी एक्साइटेड होकर कहता है अब उसे सब कुछ समझ आ गया है अब वो समझ चुका है की गोल्डन बीज को कैसे कल्टिवेट करना है जेनरेशन टू तो जेनरेशन गोल्डन बीज के पास सीक्रेट टेक्निक होती है पर कई सारे गोल्डन बेस फर्स्ट लेवल को अचीव करने के बाद ही मर जाते हैं और कुछ तो सेकेंड लेवल को अचीव करने के बाद उसी लेवल में स्टर्क हो जाते हैं उनसे लेवल थ्री का ब्रेक थ्रू नहीं होता है लेकिन अब मेरे पास किलिंग फील्ड है वो काफी सीरियस होकर कहता है कि वो हिस्ट्री का मोस्ट पावरफुल गोल्डन बीस बनना चाहता है आगे हम देखते वर्चुअल स्पेस में ब्लैक ड्रेगन माउंटेन आईलैंड पे बवा लुअफिंग के लिए उसका कैसल कस्टमाइज की थी जो की दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है अब लुअफिंग के साथ उसकी पूरी फैमिली वर्चुअल स्पेस में है आई मीन यूनिवर्स में है साथ ही क्या आपने नोटिस किया लुअफेंग और लुअ है काफी ज्यादा बड़ा हो गया है इधर बवाता लुअफेंग को बता रही थी की उसका कैसल का डिजाइन बिल्कुल ही उसके अर्थ के विलय जैसा है इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन बिल्कुल ही सेम है फिर लुअफेंग और लुओ है दोनों मस्ती करते हुए कैसल की ओर जाते हैं ये देखकर ली सेन और हॉन्ग भी काफी ज्यादा खुश थे दरअसल बवाता वर्चुअल यूनिवर्स में लुओ फेंग के लिए कैसल इसलिए बनाई है ताकि लुअफेंग और उसकी फैमिली यहाँ पे रहेंगे इससे जिससे लुअफेंग बड़ी आसानी से किलिंग फील्ड में एंटर कर सकता है फिर सारे लोग कैसल की ओर जाने लगते हैं है लुअफेंग सुजिन के साथ जा रहा था पर वो सुजिन को आगे जाने को कहता है क्योंकि उसे शक था कि कुछ तो गड़बड़ है फिर उसे पता चलता है कि वार्मल के पास एक स्पेस क्राफ्ट डिटेक्ट हुई है बवाता लुअ फेंग को डिटेल में बताती है की मोनिटर डाटा के अकॉर्डिंग ये स्पेस सेफ लेवल का है और ये नूलेंसन फैमिली का स्पेसिफ है और क्यूँकी ये डी थ्री लेवल का स्पेसिफ है तो जरूर इसमें फैमिली का होगा शायद से वो यूनिवर्स लेवल का हो ये सुनकर लुअ फेंग काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि अगर वो सारे पावरफुल फोर्सेस को ज्वाइन कर लेगा तब भी वो नो लेंसन को कम्पीट नहीं कर सकता नो लेंसन को कम्पीट करना बिल्कुल ही इम्पोसिबल है बवादा कहती है हमारे जीतने का चांस बिल्कुल ही जीरो परसेंट है ये सुनकर लुओ फेंग को गुस्सा आ रहा था बवादा कहती है मेरे अकॉर्डिंग तुम फौरन ही अर्थ के सारे लोगो को यूनिवर्स में सेटल कर दो वरना अर्थ पे किसी का सर्वाइव करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है ये सब सुनकर लुओ फेंग अपने पुराने मेमोरीज को याद करने लगता है फिर बवाता से पूछता है हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है बवाता कैलकुलेट करके बताती है कि नोल एंसन फैमिली के स्पेसिप को अर्थ पे आने के लिए दो साल और आठ महीने का टाइम लग जाएगा तो हमारे पास दो साल और आठ महीने का टाइम है दूसरी ओर हम देखते हैं नो लें लुअफेंग के बारे में रिसर्च कर रहे थे का लुअफेंग के सारी डिटेल्स उसकी फाइटिंग सीन उसका करंट लेवल सारा कुछ नोवल एंसन के सामने रख देती है अब अतुका नोल एंसन के पास कैसे आई है हमें थोड़ी देर में पता चलेगा नोएफेंग को ऑब्जर्व करके काफी ज्यादा होता है क्योंकि अर्थ तो काफी वीक सा प्लेनेट है पर फिर भी काफी ही स्टार को अचीव कर लिया फिर वो अतुका को, को यूज कर रहा है और अभी ये उसका मेन स्पेस है पर अतुका का डाटा मॉडल बोलो के स्पेसिप में ही था जो कि अब लुअफेंग के कैद में है वो उसके डाटा मॉडल को हाईजेक कर चुके हैं इससे अब उनको उनका रियल

कहता है ये न्यूएल फैमिली कभी भी सुधरने वाली नहीं है हॉन्ग कहते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट तीन साल का टाइम है पर यह हमारे लिए काफी ज्यादा कम है इतने कम टाइम में यूनिवर्स में सबसे पावरफुल वॉरियर बनना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है तभी हम देखते हैं स्पेस से कुछ रेज आ रहा था और अचानक ही मैनलो के स्क्रीन पे एक बंदा अपेयर होता है मैनलो कहता है ये बंदा तो यूनिवर्स लेवल नाइन का है तभी वहाँ वो बंदा अपेयर होता है ये देखकर कर वहाँ के आस के लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि उसके स्ट्रोंग सारे लोग महसूस कर लिए थे कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है फिर हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि नो लें है नो लें काफी गुस्से से फेंग की ओर देखता है अचानक ली से तीनों की और देखते हैं और कहते हैं आखिर ये बंदा कौन है नो लें लगातार लोअ की ओर बढ़ रहा था और आस पास के सारे लोग बातें करने लगते है की ये नोसन फैमिली के फाउंडर नो लेंसन है सारे लोग नो लेंसन को देख कर काफी ज्यादा घबरा रहे थे क्यूँकी वो सब फर्स्ट टाइम नो लेंसन को इतने करीब से देख रहे हैं वहाँ पे एक बंदा एक लड़की को बताता है कि मैंने सुना है की नो एलेंसन फैमिली लिविंग प्लैनेट पे रूल करती है वो लड़की नो एलेंसन के पास ग्रेट एक्स का साइन देखती है और कहती है हम लोग इतने लंबे समय से किलिंग फील्ड में फाइनली हम एक बार नो एल को देख पाए हैं लेकिन वो बंदा कहता है जॉयटेस फाइटिंग अरेना काफी ज्यादा खतरनाक है जो लोग उस फाइटिंग अरेना को पास करते हैं उन्हें ही ग्रेट एक्स का साइन मिलता है इस मेडल को पाने के लिए थाउजेंड किलिंग फील्ड के विनर को किल करना होता है तब जाकर वो लीडर बन सकता है और यहाँ पे कोई भी नो लें को अंडर नहीं कर सकता फिर नो लें डायरेक्टली फेंग के पास जाता है वो फेंग को काफी गुस्से से देख रहा था फेंग भी पीछे मुड़ कर नोसन को देखता है मैन लुअ और सारे बंदे नो लें को नोटिस कर रहे थे तभी नो लें फेंग के पास आते हैं और कहते हैं अर्थ के ऑनर लुओ फैंग फेंग कहता है तो तुम नो लें फैमिली के लीडर हो बताओ क्या चाहिए नो लेंसन कहता है मुझे अर्थ प्लेनेट सेल कर दो और नो लेंसन उसे हंड्रेड बिलियन को एनवोक्स देने के लिए तैयार थे ये सुनकर वहाँ के सारे बंदे काफी ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि वन बिलियन गैनवो डॉलर्स काफी ज्यादा अमाउंट है सारे लोग बिल्कुल ही शौक होते हैं तभी नो लें फेंग से कहता है सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड लिविंग वाले प्लेनेट का प्राइस सिर्फ टू पॉइंट वन बिलियन गैनवो डॉलर्स है और प्लेनेटर तो काफी ज्यादा वीक है पर फिर भी मैं काफी ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हूँ एक बार अगर तुम मुझे प्लेनेट को सेल कर दोगे तो तुम अपने साथ अपने क्लैन को लेकर किसी और जगह पे सेटल हो सकती हो ये सुनकर वो लड़की उस बंदे से कहती है क्या नोअल इंसन इतना हाई अमाउंट पे कर पाएगा मुझे तो लगता है की वन बिलियन डॉलर सिर्फ फैमिली ही पे कर सकती है इधर लो फैंग काफी गुस्से में नोव से कहता है प्लानिट अर्थ मेरा घर है और मैं उसे प्राइस ऐसी मेजर नहीं कर सकता जिस पर नोवेंसन कहता है हर एक प्लानिट प्राइज में मेजर किया जाता है तो प्लानिट अर्थ भी प्राइज में मेजर होगा इवन की यूनिवर्स के पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ आ गया है भी तुम्हें प्लान अर्थ को प्राइज में मेजर करना होगा जिस पर ली सन काफी गुस्से में नोवल ऐसी कहता है तो क्या तुम डर नहीं लगता यूनिवर्स का कोई पावरफुल भी आ सकता है और तुम पहले आकर हमसे फायदा उठाना चाहते हो ये सुनकर नोल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अर्थ की फैमिली तुम्हारे लिए डेथ और लाइफ मैटर करती है पर हमारे लिए अर्थ से प्रॉफिट जैसा है फिर नोल लोअ को लास्ट चांस देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ तुम हंड्रेड बिलियन की ये डील एक्सेप्ट कर लो वरना यूनिवर्स के सारे पावरफुल फोर्स अर्थ को हासिल करेंगे ये सुनकर वो बंदा कहता है इतने पावरफुल बंदे के सामने ऐसा लगता है कि लुओ फेंग जरूर कॉम्प्रोमाइज करेगा और सारे लोग बातें करने लगते हैं कि अर्थ का रियल प्राइस तो हंड्रेड बिलियन भी नहीं है और ये बात कोई और नहीं बल्कि बबाता कह रही थी इवन की अर्थ के सारे ट्रेजर को भी सेल कर दिया जाए तब भी उन्हें हंड्रेड बिलियन गनवो डॉलर नहीं मिलेंगे बवाता कहती है तुम बस अर्थ को सेल करके दस लिविंग प्लेनेट को बाय कर सकते हो हंड्रेड बिलियन गनवो डॉलर काफी ज्यादा अमाउंट है इवन की इसमें तुम्हारा सारा कॉस्ट भी आ जाएगा लाइक माइग्रेशन और सेटल का केवल थर्टी बिलियन ही कॉस्ट है अब लुअ फेंग इस बारे में सोच रहा था और आखिर में वो से कहता है मेरा जवाब है इतना कहते ही वहाँ के सारे लोग काफी उम्मीद के साथ लुओफेंग को सुन रहे थे इवन की मान लुओ भी काफी गौर से लुओफेंग को सुन रहा था वहाँ के सारे एलियन लुओफेंग को सुन रहे थे पर लुओफेंग कहता है अर्थ बेचने के लिए नहीं है इसी के साथ ये पार्टियाँ पे खत्म होती है